गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टडी करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। इससे पहले वाले वीडियो में एक मैच्योर ओव्यूल के बारे में स्टडी किया था। इसमें हम उस ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक भ्रूण कोष होता है वो कैसे डेवलप होता है, या उसको हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, मादा गैमेटोफाइट या मादा युग्मोद्भिद भी बोलते हैं, उसकी उसका जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, कैसे होता है इनसाइड ऑफ ओव्यूल या विद इन न्यूशेलस, बीजांडकाय में और ओव्यूल के अंदर किस तरह से एम्ब्रियो सैक या एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, आज हम स्टडी करें। हमने बहुत अच्छा पता है, मैं इससे पहले वाला वीडियो हमने देखा था कि ये बीजांड का ये फ्यूनिकल है, ये हीलम है, ये इंटरगमेंट्स है, ये माइक्रोपाइल रीजन है, ये न्यूशेलस है, ये कैलेजा रीजन है। तो फर्स्ट, जैसे कि हम माइक्रोस्पोर मदर सेल में, जो एंथर में हम देखते थे कि बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, बट जनरली यहां पे एक ही मेगा स्पोर मदर सेल होती है न्यूशेलस में, एंजियोस्पर्म में। एक ओव्यूल के अंदर एक ही मेगा स्पोर मदर सेल बनता है, मींस एक ओव्यूल के अंदर एक ही जायगोट बनेगा, बाद में जब मेगा स्पोर बनेगा वही एक ही एग बनाएगा और एक ही जायगोट जनरली बनता है, तो एक ही एम्ब्रियो बनता है। लेकिन कहीं कहीं बहुत सारे एम्ब्रियो भी बन जाते हैं, पॉली एम्ब्रियो नहीं। लेकिन नॉर्मली जो देखा जाता है वो ये है कि एक ओव्यूल में न्यूशेलस के अंदर एक मेगा स्पोर मदर सेल ही होती है, ये डिप्लॉइड है, ये मेगा स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड। इसमें जब रिडक्शन डिवीजन होता है, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, उसके बाद चार जो है हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड हैं, इनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ है, चार हैप्लॉइड मेगा स्पोर बनते हैं। इसमें से तीन डिजर्नेट हो जाते हैं और एक ही फंक्शनल, दिस इज फंक्शन, ये चार मेगा स्पोर है और ये वाला जो क्या है, ये फंक्शनल मेगा स्पोर हो गया, जिसने आगे डेवलपमेंट करना है फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ पे एक और चीज हमको पता होनी चाहिए, एंजियोस्पर्म में ज्यादातर एंजियोस्पर्म में मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट होता है, मीन्स चार जो मेगास्पोर बनते हैं उनमें से तीन डिजनरेट हो जाते हैं, उनमें एक ही फंक्शनल होता है, इसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट। दूसरा डेवलपमेंट होता है, ज्यादातर एंजियोस्पर्म में यही पाया जाता है, दूसरा डेवलपमेंट होता है बाइस्पोरिक टाइप, अगर इसमें से दो खत्म हो और दो आगे का डेवलपमेंट करें, और तीसरा होता है टेट्रास्पोरिक, अगर ये चारों जो है फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में भाग लेते हैं। लेकिन दिस इज द मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट, बिकॉज ओनली वन फंक्शनल मेगास्पोर इज दियर, एक गुरु बीजाणु है, फंक्शनल एक है जो कार्य कर रहा, बाकी डिजनरेट हो गए। देखो अब आगे हम चलेंगे, ये एम्ब्रियो सैक इस ओव्यूल के अंदर, या हम बार बार हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं जगह कम के कारण, तो ये इसी के अंदर हो रहा है, ओव्यूल के अंदर हो रहा है सब कुछ, न्यूशेलस में चीजें हो रही हैं। ये जो हमारा फंक्शनल, ये फंक्शनल मेगा स्पोर हो गया, इसमें माइटोसिस होते हैं और माइटोसिस से दो न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई एक साइड और एक न्यूक्लियाई दूसरे साइड चल जाते हैं, ये न्यूक्लियस एक इधर चला गया, ये न्यूक्लियस है एक इधर चला गया, एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस ये एक अपोजिट पोल्स में चले। अब दोबारा माइटोसिस हुआ, इससे दो बने और इससे भी दो बने, चार हो गए, फोर सेल स्टेज होगी, फोर न्यूक्लियस चार न्यूक्लियस, अभी सेल नहीं बनी है। फिर दोबारा माइटोसिस हुआ, ये 1 2 3 4, ये 4 और 4, ये 8 न्यूक्लियर स्टेज हमारे पास बन चुके हैं। अब होता क्या, यहां पे इंपॉर्टेंट है अब समझना, इसमें से क्या होता है, एक पोलर न्यूक्लियर बीच में यहां से आता है और एक पोलर न्यूक्लियर यहां से आता है, तो बीच में कितने हो जाते हैं, दो पोलर न्यूक्लियर हमारे इस बीच में हो जाते हैं। और इसके बाद जो अपोजिट पोल्स में, अब हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर लागे यहां पे पूरा बना दिया हमने, अपोजिट पोल्स में इनके बाहर अब सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल बनने लगती हैं और एक एक सेल का एज ए सेल बनने लगती हैं। तो जो कैलेजा की ओर सेल बनती है उनको पता है, इनको हम एंटीपोडल्स बोलते हैं,
जो माइक्रोपायल की ओर जो सेल बनती है उनको हम बोलते हैं एग एपरेटस है वो अंड उपकरण, और बीच में जो सेल है वो एग सेल है, और इसके दोनों तरफ क्या है ये सिनर्जिस्ट या एसेसरी सेल या साइकोस्टाइन। और ये जो हमारा बीच में पोलर न्यूक्लिया है, दो न्यूक्लियस है, तो ये क्या है सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देता बाद में, या इसको हम पोलर न्यूक्लिया भी बोल सकते हैं। तो जो एम्ब्रियो सैक है भ्रूण कोष, और वी कैन से दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट जो एंजियोस्पर्म का है वो 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड है। इसमें 8 न्यूक्लियस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन सेल कितनी है 7, 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड। स्ट्रक्चर इज द एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म। अब हमने इस चैप्टर में हम मेल गैमेटोफाइट की स्टडी कर चुके हैं, पॉलिंग ग्रेन से मेल गैमेटोफाइट बने, उसमें मेल गैमेट्स बन रखे, और इसमें हम फीमेल गैमेटोफाइट को हम बना चुके हैं मेगास्पोरियम के अंदर। सबसे पहले कार्पोलर पिस्टिल के अंदर हमारा ओबरी है, ओबरी के अंदर जो लोक्यूल है उसमें मेगास्पोरियम है जिसको ओव्यूल बोलते हैं, और ओव्यूल के इनसाइड अंदर ही डेवलपमेंट ऑफ ये फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक हुआ है। इसमें हमारे पास एग सेल बन चुकी है और ये सेकंड न्यूक्लियस। अब नेक्स्ट उसमें हम वहां से पॉलन ग्रेन ये देखेंगे कि पॉलन ग्रेन जो हमारे पास बन चुके हैं उसका हम स्टडी करेंगे पॉलिनेशन के फॉर्म में, उसके बाद फर्टिलाइजर ये आगे चलता रहेगा। तो आज का जो टॉपिक था इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक चीज मैं आपको और बता दूं बच्चों कि जो ये चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉरिंग प्लांट, इससे ही समझ लो पूरी दुनिया इस पर ही टिकी है। जो फ्लॉरिंग प्लांट्स हैं पूरी दुनिया में, लग सारे फ्लॉरिंग प्लांट्स, मेजोरिटी ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट्स जो है पूरी दुनिया में खाना, जो फ्रूट्स खाते हैं, जो भी चीजें खाने वाली चीजें लगभग फ्लॉरिंग प्लांट से ही हमें मिल रहा है। जिनको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं, एंजियोस्पर्म का इरा है, युग है, एंजियोस्पर्म का स्टडी हम सही ढंग से कर लेंगे तो हमें पूरा पता चल जाएगा किस तरह से एक नया प्लांट में बनता है और किस तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स में होता है, और किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है, वेरिएशंस आती हैं, विभिन्नताएं आती हैं, जो प्लांट्स है वो अपने को नए लाइफ स्टाइल में या नए जो कंडीशंस होती हैं अनफेवरेबल कंडीशन में अपने को कैसे जिंदा रखता है उसके लिए, या नई नई जो अगर हमारे पास ऐसा कंटेमिनेशन आ गया हमारे एनवायरनमेंट में तो किस तरह से प्लांट अपने को जिंदा रहता है, उसके लिए वेरिएशंस चाहिए। तो वेरिएशंस जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही मिलती है। तो एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो पूरी दुनिया इसी से चल रही है। जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या आगे अपनी प्रोजेनी बनाएगी तभी हम सबको खाना मिलेगा, जो फ्रूट्स मिलेंगे और विभिन्न प्रकार के जो भी हम खाद्य सामग्री लेते हैं वो मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, पूरा बेस है, इसलिए हम इसको हर चीज को समझना इसका जरूरी है। तो आशा है कि आपको फीमेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है वो समझ में आया होगा, किस तरह से ये एम्ब्रियो सैक के अंदर ये ओव्यूल के अंदर हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है, इसमें ये एग सेल है, ये सिनर्जिस्ट है इसके दोनों तरफ, और एंटीपोडल्स हैं ये कैलेजा की साइड में, और ये बीच में पोलर न्यूक्लिया है। तो किस तरह से डेवलपमेंट हो, आगे हम फर्टिलाइजेशन से पहले पॉलिनेशन को स्टडी करेंगे। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, चैनल राहुल मेहर को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको आगे की वीडियो आसानी से मिल जाए। थैंक यू सो मच।